हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्रुप ग्रोफाइल इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओम ओम स्लो स्लो और और उसका डेरिवेशन उसकी लिमिटेशंस सो so, सबसे पहले क्या होता है वो देख लेते हैं हम क्या होता है जब किसी कंडक्टिंग वायर या किसी अप्लायंस के अग्रोस हम वोल्टेज लगाते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस तो जो उस अप्लायंस में करंट फ्लो करेगी वो उस वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है सो करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइंग अक्रॉस द वायर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यह कंडीशन है अगर टेम्परेचर कैसा हो कॉन्स्टेंट सो द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अप्लाइंग्रोस इट अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस जो भी है वो कैसे रहनी चाहिए कॉन्स्टेंट सो so, I प्रोपोर्शनल टू क्या है V या फिर हम ये भी लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I एक्चुअली ये कोज है और ये इफेक्ट है तो कैसे लिख लो अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा सो so, यहां पर हम डिनोट कर देते हैं उसको C V या फिर V इक्वल टू वन अपन सी इन टू आई या यहां पर लिख लेते हैं वी इक्वल टू आई आर सो R इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन सी आर को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस और उसका जो रेसिप्रोकल होता है सी उसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस ओके, आर इक्वल टू क्या होता है v upon I. अब अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें हम सो तो अगर वोल्टेज इधर है और करंट इधर सो ग्राफ कैसा होगा स्टेट लाइन तो ऐसा ग्राफ होगा सो so, ऐसी डिवाइस जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है उसको बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस ओमिक so, डिवाइसिस कौन सी होती है विच फॉलो ओम्स लो और जो फॉलो नहीं करती उनको बोलेंगे हम नॉन ओमिक डिवाइसिस अभी डिस्कस करेंगे अब जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट पर एम्पियर या फिर इसको हम ओम भी बोल देते हैं और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस साइन से कैपिटल ओमेगा होता है ये अब करते हैं ओम स्लो का डेरिवेशन तो हमें किसका डायरीवेशन करना है V इक्वल टू आई आर हमें प्रूफ करना है कि V जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है ओके सो तो हमें पता है करंट क्या होती है एनई एडी -E इसको हम डिराइव कर चुके ऑलरेडी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी डेरिवेशन कर चुके क्या होती है ई अपोन एम इन टू टो या फिर ई e, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस या कंडक्टर की जो लेंथ है एल अब वीडी की वैल्यू यहां पुट कर दो

under specific conditions जिसको हम डिलीट कर देते हैं r so v इक्वल टू क्या आएगा ir या हम लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू i सो so, जो r है वो क्या है m अपॉन n e स्क्वायर 2 l अपॉन a सो so, यहाँ से आ गया v प्रोपोर्शनल टू i सो so यही ओम स्लो है अब जो रेजिस्टेंस हुआ वायर का वो किसके बराबर है इसके बराबर m अपॉन n e स्क्वायर 2 l अपॉन a So, जो रेजिस्टेंस है वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है जरा वो चेक कर लेते हैं हम ये जो फैक्टर है जो ब्रैकेट में मैंने लिखा ये डिपेंड करता है नेचर वायर जिसका बना हुआ है एंड टेम्परेचर और जो ये फैक्टर है एलापोनी लेंथ और तो एरिया ये किस पे डिपेंड कर रहा है शेप एंड साइज अब जो ये ब्रैकेट के अंदर हमने लिया यही होता है रजिस्टिविटी सो रजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से सो so यह है, e 2, so, है, है? और और होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू दिस इज कोल्ड एन रजिस्टिविटी तो जो रजिस्टिविटी होती है मेटल की वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती केवल किन चीज पे डिपेंड करती है नेचर और टेम्परेचर और रजिस्टिविटी का जो अपोजिट होता है रेसीप्रोकल होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सिगमा वन अपोन रो दिस इज कोल्ड एन कंडक्टिविटी इक्वल टू रो एलवाई एर इक्वल टू क्या में में पढ़ेंगे. पहले ओम स्लो पर ही आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम स्लो कौन सी फॉर्म माइक्रोस्कोपिक तो एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी होती है माइक्रोस्कोपिक का मतलब ओवरऑल और माइक्रोस्कोपिक का मतलब किसी पर्टिकुलर क्रोस सेक्शन पर so, अगर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की बात करें हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म सपोज एक वायर है हमारे पास ये, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है आई इसकी लेंथ कितनी है एल और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है हैवी तो ये वायर के एग्रोस जो वोल्टेज हमने लगाई वो किसके बराबर होगी आई इन टू आर तो ओवरऑल हम देख रहे हैं लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की बात करें हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई e, और यहां पर जो करंट डेंसिटी है जे तो अगर ई e और जे के बीच में हम रिलेशन निकाले बाई यूजिंग दिस ओम्स स्लो देन दैट रिलेशन विल बी कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स स्लो सो ये फाइंड करेंगे हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स स्लो माइक्रोस्कोपिक डक्टिंग वायर so, ले लिया हमने जिसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है आई और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका ए सपोज इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया ओके okay? सो so, हमें पता है इक्वल टू क्या है आई आर आर क्या है रेजिस्टेंस अब हमें माइक्रोस्कोपिक फॉर्म चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे ये पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज इस डायरेक्शन में और जो करंट डेंसिटी है वो एरिया के परपेंडिकुलर सपोज जे अब जो जे होगी करंट डेंसिटी वो किसके बराबर होती है करंट अपॉन एरिया करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ सो आई और वी की वैल्यू यहां पुट कर दो सो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा ई e एल और आई इक्वल टू क्या है जे इन टू ए और रेजिस्टेंस क्या फाइंड किया हमने अभी रो एल अपॉन ए सो ए से ए कैंसिल एल से ये एल कैंसिल सो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा जे इन टू रो ये क्या है रेजिस्टिविटी जिसका रेसिप्रोकल क्या होता है कंडक्टिविटी सो इक्वल टू क्या हो जाएगा जे इंटू वन अपॉन सिगमा सो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ये होती है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें सो so जे भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है सो so, ये वेक्टर फॉर्म हो जाती है सो so, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है क्योंकि जो वेरिएबल्स है वो कैसे माइक्रोस्कोपिक जे क्या है किसी क्रॉस सेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर या किसी क्रॉस सेक्शन पर इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और जो ये होती है V कॉल टू आई आर ये होती है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्यों क्योंकि वोल्टेज क्या है पूरे वायर के कैक्रोस और करंट क्या है पूरे वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ओके अब हम डिस्कस करेंगे नॉन ओमिक डिवाइसेस या लिमिटेशंस ऑफ ओम स्लो अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम स्लो जो डिवाइस ओम स्लो को फॉलो नहीं करती उनको बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसिस मतलब उनके लिए क्या होगा वी डज नॉट प्रोपोर्शनल टू करंट तो इन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं नॉन ओमिक। नॉट फॉलोइंग ओम स्लो सो इसमें क्या होता है करंट जो होती है वो वोल्टेज के प्रपोर्शनल ना हो या फिर दूसरा ऐसे भी हो सकता है वोल्टेज सेम रखे लेकिन उसका साइन बदल दे या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम लोअर पोटेंशियल वाला जो टर्मिनल है उसको हायर पोटेंशियल वाला बना दे और हायर पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल बना दे लेकिन वोल्टेज रखे उतनी सो so करंट उतनी ही होनी चाहिए बस डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए लेकिन ऐसा ना हो करंट की डायरेक्शन तो बदल रही है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड भी बदल जाए सो so, वो भी कैसी डिवाइस होगी नॉन ओमिक या फिर ऐसे भी हो सकता है करंट की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वोल्टेज की कितनी वैल्यू हो दो या दो से ज्यादा जो हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल्स लेके सो so, ओमिक वाले जो ओम्स स्लो को फॉलो करते हैं जैसे कंडक्टर्स और कंडक्टर्स भी तभी फॉलो करते हैं जब टेंपरेचर एक पर्टिकुलर रेंज में हो जैसे हम लेते हैं कॉपर के लिए किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए सो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है लेकिन उसके बाद स्ट्रेट लाइन नहीं रह पाता ठीक है एक पर्टिकुलर टेंपरेचर के बाद अब नॉन ओमिक नॉन ओमिक के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जैसे हम लिख लेते हैं सुपरकंडक्टर्स थर्मिस्टर्स थार्स वैक्यूम ट्यूब्स क्रिस्टल रेक्टिफायर्स इतने सारे याद रखने की जरूरत नहीं बस आप दो याद रखो जो मैं अभी बताने वाला हूं दो और ले लेते हैं एक गैलियम आर्सेनाइड ले, ले लेते हैं जिसका ग्राफ एनसीईआरटी की भी है और सेमीकंडक्टर्स तो हम पढ़ते ही हैं सेमी कंडक्टर डायोड्स गैलियम आर्सेनाइड का जो ग्राफ है उसको देख लेते हैं करंट और इधर वोल्टेज ऐसे ही सेमी कंडक्टर ग्राफ देख लेंगे करंट वर्सेस वोल्टेज सो गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ कुछ ऐसा होता है शुरुआत में स्ट्रेट लाइन होता है फिर कर्व हो जाता है और जो इसका ग्राफ होता है डायोड्स के लिए वो कुछ ऐसा होता है अब जरा इसको चेक करें यहां तक ग्राफ कैसा है स्ट्रेट लाइन मतलब ये ओम स्लो को फॉलो कर रहा है उसके बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है ओम स्लो को ये फॉलो नहीं कर रहा सो तो यहां से यहां तक तो स्टेट लाइन ग्राफ है इसके बाद नॉन ओमिक और यहां पर ओमिक सो तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूं ओ ए बी ऐसे यहां तक सी सो so, ओ से ए तक तो है ग्राफ स्ट्रेट लाइन मतलब ओम स्लो को फॉलो कर रहा है लेकिन ए से ए बाद में ये ओम स्लो को फॉलो नहीं कर रहा ए से बी तक जो स्लोप है वो कैसी है पॉजिटिव तो रेजिस्टेंस कैसा हुआ पॉजिटिव लेकिन बी से सी नोट करने वाली बात है जो बी से सी वाला ग्राफ है इसमें स्लोप कैसी होगी निगेटिव इसलिए रेजिस्टेंस कैसा होगा इसमें निगेटिव इसका मतलब यह है कि अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट कैसी होगी डिक्रीज तो ये नोट करने वाली बात है बच्चों यहां से जो ये वाला पार्ट है इसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा निगेटिव सो इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए एक नंबर में पूछा जा सकता है कि एक एग्जाम्पल बताओ जहां पर रजिस्टेंस निगेटिव हो तो क्या एग्जाम्पल क्या है गैले मार्शन और ग्राफ बना के दिखा देना आप लोग अब बात करते हैं सेमी कनेक्टर डायोर्स की इसमें भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है वोल्टेज को अपोजिट कर दू तो भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है अब जैसे मैंने बताया अगर वोल्टेज अपोजिट कर दे लेकिन वोल्टेज की वैल्यू रखे सेम सपोज मैंने वोल्टेज यहां पर जीरो पॉइंट टू ले ली और यहां पर भी जीरो पॉइंट टू वोल्ट सो यहां पर करंट अलग है और यहां पर करंट अलग है तो वोल्टेज सेम है लेकिन करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग आ रहा है बस डायरेक्शन अपोजिट करने की वजह से तो ये भी होम स्लो को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि वोल्टेज की डायरेक्शन बदलने की वजह से करंट की डायरेक्शन बदल जानी चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए सेम क्योंकि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम है तो करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है सो so, मैंने तीन चीज बताई थी नॉन ओमिक के लिए एक तो यह कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है ना इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन दूसरा अगर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड रखे सेम बस डायरेक्शन अपोजिट कर दे मतलब वोल्टेज हम कैसे कर दे देगेटिव तो करंट की डायरेक्शन बदल जानी चाहिए लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए सेम लेकिन ऐसा नहीं हो रहा तो वो डिवाइस कौन सी नॉन ओमिक उसका एग्जाम्पल ये रहा अगर वोल्टेज में पॉइंट टू कर लू और यहां पर भी पॉइंट टू तो जब वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट की वैल्यू ज्यादा है और जब वोल्टेज निगेटिव है पॉइंट टू ही है लेकिन तो करंट की वैल्यू क्या आ रही कम सो तो करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए लेकिन सेम नहीं आ रही तो ये भी कैसी डिवाइस नॉन ओमिक अब तीसरा मैंने बताया किसी पर्टिकुलर करंट के लिए अगर वोल्टेज की दो वैल्यू मिल जाए तो भी डिवाइस कैसी हो जाएगी नॉन ओमिक जैसे अगर किसी पर्टिकुलर करंट के लिए मैं चेक वोल्टेज तो दो मिलेगी एक ये और एक सो so, दो वोल्टेज है लेकिन करंट क्या है तो भी डिवाइस कैसी होगी नॉनिक किसी पर्टिकुलर करंट के लिए वोल्टेज की एक ही वैल्यू होनी चाहिए तभी है ओम स्लो वैलिड अदरवाइज नहीं सो so, यह भी नॉन no ओमिक और ये भी नॉन no ओमिक अब ये डिवाइसिस जो है ये ओम स्लो को फॉलो नहीं करती ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने डिस्कस नहीं की हमने डायोड का ग्राफ देखा उसको डिस्कस किया ये हमारे सिलेबस में है गैले पे पर क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि रेजिस्टेंस कैसा हो सकता है निगेटिव इन द रेंज बी सी तो ये याद रख लेना अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी एंड सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए